मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7। तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुरानियों की रीति पर चलते हैं और जब तक बलि भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फारसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरानियों की रीतों पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनसे कहा कि यशिया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे। तुरंत जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती हैं और संडास में निकल जाती हैं। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुच्चपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मर्कता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। फिर वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सरूफनी की जाति की थी और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चाक खा लेते हैं। उसने उससे कहा,
इस बात के कारण शनिजा दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। फिर वह सूर और साइदा के देशों से निकलकर दिकपुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ताह अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की घांट भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है।